एक्सरसाइज टू पार्ट वन, सॉरी पार्ट टू। क्वेश्चन नंबर वन, अ मैन आर रनिंग अलोंग अ रोड एट 15 किलोमीटर पर आवर बिहाइंड वन अनादर एट इक्वल इंटरवल्स ऑफ 20 मीटर। साइक्लिस्ट आर राइडिंग, ये तो मैंने आपको करवाया है ना एनसीईआरटी में, ये क्वेश्चन तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना, करवा तो रखा है, फिर से पूछ लिया, बताते हैं। मैन आर रनिंग अलोंग अ रोड एट 15 किलोमीटर पर आवर बिहाइंड वन अनादर, तो देखो क्या हो रहा है यहाँ। ये इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है 20 मीटर दिया हुआ है और इनकी जो स्पीड है वो 15 किलोमीटर पर आवर है। साइक्लिस्ट आर राइडिंग इन द सेम डायरेक्शन 25 किलोमीटर पर आवर एट इक्वल इंटरवल, और साइक्लिस्ट भी यहाँ और ये इधर कितने से जा रहे हैं, बी सी, ये भी बी सी, और ये कितना दिया हुआ है इसने 25 किलोमीटर पर आवर, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 30 मीटर दिया हुआ है। एट व्हाट स्पीड एन ऑब्जर्वर ट्रेवल अलोंग द रोड इन अपोजिट डायरेक्शन सो दैट व्हेनेवर ही मीट्स अ रनर ही ऑल्सो मीट्स अ साइक्लिस्ट। तो एक आदमी इधर से जा रहा है, इसकी स्पीड मान लेते हैं वी है, तो ये कह रहा है कि जिस समय ये इस मेन से मिलेगा उसी समय एक साइक्लिस्ट से मिलता है ना, तो इसकी स्पीड बताना कि क्या होगा, तो मतलब क्या हुआ इसका, देखो इसका मतलब समझ लेते हैं हम लोग। मान लो ये आदमी यहाँ है और ये इधर जा रहा है, कितने से जा रहा है 15 किलोमीटर पर आवर से। ये दूसरा आदमी यहाँ है, ये कितने से आ रहा है इधर 15 किलोमीटर पर आवर से, और इसी जगह साइक्लिस्ट से मिलता है, और ये आदमी जो है वो यहाँ है, ये इधर जा रहा है बी से, इनके बीच की डिस्टेंस 20 मीटर दिया हुआ है, इसका मतलब साइक्लिस्ट वाला यहाँ कहीं है। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी अपने को दिया हुआ है 30 मीटर है। ओके, तो पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, इसकी और इसकी, आगे बात सुन में, किस किस की बात कर लेते हैं, पहले इन दोनों की बात कर लेते हैं। तो आप देख रहे हो कि ये डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने यहाँ, है ना, तो मान लो इसके रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी क्या होगी, है ना, वो जाएगी 15 प्लस वी, यानी 15, लेकिन इसको हम लोग 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस वी इंटू टी इक्वल टू कितना होगा 20, फिर दूसरा है 5/18 इंटू, क्योंकि साइक्लिस्ट कितना से आ रहा है 25 से आ रहा है, कितने से 25 से, तो क्या लिखेंगे फिर हम लोग 25 प्लस वी इंटू टी इक्वल टू 30, सॉल्व कर लो, डिवाइड कर लो, वैल्यू मिल जाएगी आपको, ठीक है ना। तो आप चाहो तो वैसे इसको ये रहने दो, इसको 15 प्लस बी इंटू टी इक्वल टू 20, और इसको 25 प्लस बी इंटू टी इक्वल टू 30, इन दोनों को डिवाइड कर लो, इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर टू, तो वन इज डिवाइडेड बाई टू, तो 2/3 इक्वल टू 15 प्लस बी डिवाइडेड बाई 25 प्लस बी, यानी 50 प्लस 2 बी इक्वल टू 30 प्लस 3 बी, यानी कितना हो गया 20 इक्वल टू वी,
कुछ गड़बड़ हुआ। पर 45 आएगा ना, ठीक ही जगह। सॉरी सॉरी सॉरी, 45 प्लस 3 वी कितना आ गया है, यानी 5 इक्वल टू वी आ गया। तो यानी वी इक्वल टू आ गया 5 किलोमीटर पर आवर। ये कॉन्सेप्ट है इसमें, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर टू, टू आइडेंटिकल ट्रेन्स टेक 3 सेकंड टू पास वन अनादर when going in the opposite direction, but only this second if the speed of one is increased by 50%. Find the time one would take to pass the other when going the same direction their original speed. अभी क्या कह रहा है, two identical trains take second to pass one another. इसका मतलब ये हुआ, when in the opposite direction, यानी इसका मतलब ये ट्रेन ही आए ये दूसरी ट्रेन है ये लेन तेल है ये लेन तेल है ओके। तो कह रहा है कि टू आइडेंटिकल ट्रेन टेक 3 सेकंड टू पास वन अनदर व्हेन गोइंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, है ना। तो आइडेंटिकल ट्रेन है, इसकी स्पीड भी है, इसकी स्पीड भी है, एक का दूसरे के रेस्पेक्ट में स्पीड क्या हो जाएगा, टू भी हो जाएगा। तो टू भी हो जाएगा, तो जैसे मान लो अगर मैं इसके रेस्पेक्ट में गया, इसको हमने रोक दिया, मान लो ट्रेन ए ट्रेन बी है, इसकी लेंथ एल है और ये रेस्ट पर लिया है, तो अब इस ट्रेन की स्पीड कितना हो गया, यहाँ ये ट्रेन की स्पीड हो गया टू वी। तो इसको पास करके जाने का मतलब है कि फाइनली ट्रेन को कहाँ पहुंचना है, यहाँ। इसका मतलब ये ट्रेन यहाँ से यहाँ पहुंचने का मतलब कितना चली है, 2L चली ना। तो यानी 2V इंटू टी वन इक्वल टू 2L, तो 2V इंटू यानी 3 इक्वल टू 2L, इक्वेशन नंबर 1। यानी L भी अननोन है, V भी अननोन है। फिर ये कह रहा है कि इफ द स्पीड ऑफ वन इज इंक्रीज बाय 50%, यानी इसका मतलब कितना हो गया, 3V/2 कर दिया, तो कितना हो जाएगा, यानी वी प्लस 3V/2 इंटू टी टू इक्वल टू अगेन 2L। तो वी प्लस 3V/2 इंटू टी टू कितना है, 2.5 इक्वल टू 2L। तो दो अननोन है, दो इक्वेशन है, सॉल्व कर लेंगे, अपने को वी मिल जाएगा और एल मिल जाएगा। फिर ये क्या कह रहा है, when going in the same direction at their original speed, find the time in one would take to pass the other. तो ये अच्छा, इसका मतलब अलग अलग स्पीड है भाई इनकी। तो मान लेते हैं कोई दिक्कत नहीं, इसकी स्पीड मान लेते हैं V1 है, इसकी V2 है, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ V1 प्लस V2 हो जाएगा, तो फिर ये कितना हो जाएगा, यहाँ V1 प्लस V2 इंटू 3 ये हो जाएगा डायरेक्ट, इसको हटा दो, दूसरे केस में क्या हो जाएगा, एक ही स्पीड को बढ़ा दिया इसने, यानी ये V1 है और ये 3V2/2 हो गया। तो ये V1 है और ये V2 हो गया, यही क्वेश्चन आ गई, क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, है ना। V1 V2 में एक रिलेशन मिल जाएगा आपको यहाँ से, बस यही था और तो कुछ था नहीं। फिगर आउट फाइंड द टाइम वन वुड टेक टू पास द अदर व्हेन गोइंग, तो देखो इसका मतलब ये हुआ,
दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही मान लो, तो विद देयर ओरिजिनल स्पीड ही कह रहा है, तो मान लेते हैं कि ये इधर है, ये बी है, ये ए है, इसकी स्पीड वी वन है, इसकी स्पीड वी टू है, ये लेंथ एल है, ये लेंथ एल है, तो ए का बी के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वी वन माइनस वी टू ना, तो ये रुक जाएगा, तो फाइनली इसको कितना चलना पड़ेगा, इतना ना, यानी कितना चलना पड़ा, 12 हो जाएगा, वी वन माइनस वी टू इंटू टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12, तो यहां से आपने वी वन वी टू का रिलेशन निकाला ही था, एल के टर्म में आ जाएगा वो, है ना, तो यहाँ रख दो, आ जाएगा आंसर आपका, टी मिल जाएगा, बाकी सब कैंसिल आउट हो जाएगा, ऐसे करना था वो, क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रहे, तो वी वन माइनस वी टू कर देंगे, यानी वी वन जो है यहाँ हमने वी टू से ज्यादा माना है, ओके, तो आ जाएगा आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर थ्री, थ्री एलिफेंट्स ए बी एंड सी आर मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट स्पीड इन सेम डायरेक्शन एज शोन इन द फिगर, यानी इसको कैसे बनाएं, तो बनाना है भारी है भाई, ऐसा करते हैं, ऐसा बना लेता हूँ मैं, बॉक्स की तरह बना लेता हूँ मैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, एक बॉक्स ये है, ये एलिफेंट है, लेकिन इसको बॉक्स ए मान रहा हूँ मैं, ये 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ये बॉक्स बी है, ये यू से जा रहा है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो डी है, और एक बॉक्स सी यहाँ है, और ये 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ओके, थ्री एलिफेंट्स ए बी एंड सी आर मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट स्पीड इन सेम डायरेक्शन इज शोन इन द फिगर, स्पीड ऑफ ए दिया, स्पीड ऑफ सी दिया हुआ है, इनिशियल सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी दिया हुआ है, बी और सी भी दिया हुआ है, व्हेन बी कैचेस सी, सेपरेशन बिटवीन ए एंड सी बिकम्स 3D, फाइंड स्पीड ऑफ बी, तो वो क्या रहा है यहां कि जब बी इसको कैच करता है ना, तो ऐसा करते हैं सी को रोक देते हैं, विद रेस्पेक्ट टू सी अगर जाएंगे तो आपको ही मालूम वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी कितना होगा, 5 माइनस 10, है ना, और इसका मतलब कितना हो गया, -5 मीटर पर सेकंड हो गया, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी कितना होगा, तो यू माइनस 10, है ना, तो ये तो रुक गए, अब यहाँ माइनस के इंडिकेट कर रहा, देखो इसका मतलब है कि ये इधर जा रहा है, ये यहाँ चला गया है, और ये इससे मिल गया यहाँ, ये मतलब हुआ, तो आप देख रहे हो कि ये कितना किधर आया, और ये इधर कितना गया, तो इधर कितने से जा रहा था, 5 से ना, उधर कितना गया, इधर चले 5 इंटू टी ना, और ये इनके बीच के डिस्टेंस कितना था, है ये 2D था पहले से, और ये इधर यहाँ से आया, तो ये डिस्टेंस कितना चला, यानी ये यू इंटू टी ये भी तो चला, इसका मतलब यहाँ से देखो ये डिस्टेंस कितना बोल रहा है, 3D बोल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि 2D + 5T इक्वल टू क्या हो गया, 3D, यानी हमारे पास में आ गया D = 5T, यानी T की वैल्यू कितना आ गया, D/5, कितना आ गया, D/5, और ये डिस्टेंस अपने को पता ही है कि ये D है, तो D = क्या हो गया, UT, और U × T कितना है यहाँ, D/5, तो U कितना आ गया, 5 मीटर पर सेकंड आ गया, है कुछ गड़बड़ किया क्या,
सॉरी 5 से नहीं आएगा ना, ये तो u माइनस 10 से आएगा ना, सॉरी सॉरी सॉरी, कितने से आएगा, u माइनस 10 से आएगा ना, u माइनस 10 से आएगा। तो ये तो आ गया हमारे पास में, और इसको क्या लिखेंगे हम, ये तो d इक्वल टू मिल ही गया, और ये जाएगा u माइनस 10 इंटू टी इक्वल टू डी, u माइनस 10 इंटू टी, टी कितना है, d बाई 5 इक्वल टू डी, डी से डी कैंसिल आउट हो गया, तो u माइनस 10 इक्वल टू क्या आ गया 5, तो u इक्वल टू कितना हो गया 15 मीटर पर सेकंड, तो यही आंसर है। कैसे करना था, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 5। मेरी आवाज आ रही ना आप लोगों को? यस सर। नंबर 4 भी कौन सा क्वेश्चन लास्ट में नहीं आया? अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 ना, ठीक है बताते ना, क्वेश्चन में दिया है ना उसने, मैं क्वेश्चन में दिया है ना, देखो ना वो कह रहा है ना कि उनके बीच की डिस्टेंस 3D हो जाती है, क्वेश्चन में देखो ना, क्वेश्चन नंबर कौन सा था है? क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है ना, पढ़ो ना आप, ए और सी के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाती है, 3D आ जाती है, वैसे भी सी के रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी क्या आ रही है, देखो यहाँ माइनस 5 आ रही है, इसका मतलब ये इधर की तरफ गया ना, ये ठीक है ना, तो इसलिए बोल रही है, बोल रहा है जैसे कि इधर जा रहा है वो, है ना, तो उसके रेस्पेक्ट में क्या हो, उधर जा रहा है वो, तो ये यानी इसका मतलब डिस्टेंस क्या हो गया, डी हो गई ना, मतलब 3D हो गई, सॉरी वो डी एक्स्ट्रा चलाओ, बस ये था कॉन्सेप्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 भी बताना है, अ मैन इज स्टैंडिंग ऑन अ ट्रक विच मूव्स विद कॉन्स्टेंट हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, ये मान लो ऐसा ट्रक है, और यहां से ये बॉल को थ्रो कर रहा है, ये इधर ए एक्सेलरेशन से जा रहा है, अ मैन इज स्टैंडिंग ऑन अ ट्रक विच मूव्स विद कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, जो कि अपने को ए की वैल्यू दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, व्हेन स्पीड ऑफ द ट्रक इज 10 मीटर पर सेकंड, ट्रक की स्पीड यहाँ दिया हुआ है, द मैन थ्रोस अ बॉल विद वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ट्रक, ये जो बॉल को थ्रो कर रहा है 5 root 2 ये विद रिस्पेक्ट टू ट्रक है, इन द डायरेक्शन शोन इन द डायग्राम, डायग्राम में दे रखा है इसका ये, तो ये 5 root 2 मीटर पर सेकंड है, ये एंगल यहाँ 45 degree दिया हुआ है, इन द डायरेक्शन शोन इन द डायग्राम फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल इन मीटर्स इन 1 second एज ऑब्जर्व्ड बाय द मैन, यानी इसका मतलब इस यू का तो कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि ये वेलोसिटी वैसे भी उसने क्या दे दिया अपने को, यू रिलेटिव दिया हुआ है, और ट्रक के रेस्पेक्ट में जाके बात करने को कह रहा है कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, है ना, तो क्या करेंगे यहाँ, पहले एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ट्रक की बात करेंगे, तो एक्सेलरेशन बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो कितना इसका माइनस जी जे कैप है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग चलेंगे हम लोग, एक्स एक्सिस से ये वाई एक्सिस है, माइनस ए
आई कैप, तो जी के वैल्यू कितना दिया इसने 10, तो माइनस 10 जे कैप माइनस ए के वैल्यू भी 10 दिया है, तो 10 आई कैप, इसका मतलब कितना हो गया माइनस 10 आई कैप माइनस 10 जे कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारे पास में है। है ना, इसका मतलब इसको रोक देंगे, ट्रक के रेस्पेक्ट में चले गए हम लोग। तो ट्रक के रेस्पेक्ट में क्या पूछ रहा आपने से, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल इन वन सेकंड। तो यहां देखो आप बॉल, ये इससे क्या पता चल रहा है कि बॉल का देखो एक कंपोनेंट ये एक्सेलरेशन का और एक कंपोनेंट ये, यानी इधर जाएगा तो किधर गया अल्टीमेटली ये, यानी 45 डिग्री एंगल आ रहा है ना, क्योंकि ये भी 10 है, ये भी 10 है, और ये इसको इधर भेज रहा है, तो इधर से भी ये बोल रहा है कि 10 है, यानी इसकी जो u रिलेटिव है वो दे रखा है इसने 5√2 है, तो इसका नेट एक्सेलरेशन इधर की तरफ क्या हो जाएगा, वो आ जाएगा 10√2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, ये नेट एक्सेलरेशन हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ हमारे पास आ जाएगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा देंगे, तो नहीं सॉरी हमें तो क्या चाहिए डिस्प्लेसमेंट चाहिए ना, इसको लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्या लगाएंगे हम लोग यहाँ, क्योंकि एक्सेलरेशन भी कॉन्स्टेंट है, तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ना, तो एस यू कितना है यहाँ 5√2 है इंटू टी कितना है 1 सेकंड बता रहा है माइनस हाफ, और ए कितना बोल रहा है तो 10√2 इंटू 1 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया 5√2 माइनस ये कितना आ गया 5√2, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया 0 आ गया इसका, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो यहाँ 0 होना चाहिए, मतलब क्या हो बॉल वापस उसके हाथ में आ गई उसके रेस्पेक्ट में गए, तो ये मतलब था, ठीक है ना भाई। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, अ स्विमर क्रॉसेस द रिवर अलोंग द लाइन मेकिंग एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। अच्छा बताओ कितने लोगों ने इसके कितने क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन है, कितने लोगों ने 11 में से मुझे ड्रॉप करे ना मैसेज, कितने लोगों ने किया, मैं तो इसमें तो सारे क्वेश्चन पूछे हुए तो पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है, मैसेज ड्रॉप करके बताए ना कितने कितने क्वेश्चन हुए इस वाले पार्ट से। वेदांत ने कितने कर लिए 9 क्वेश्चन बन गए थे सर, अथर्व ने 7 क्वेश्चन बना लिए थे सर, ओके नेक्स्ट, उस्ताद ने 9 करेक्ट है, संस्कार के 10 करेक्ट है, समीर के 7 है, गुड, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आर्यन के 8 है, अथर्व के 9 है, सॉरी श्रवणी के 9 है, श्याम कुमार के 14 डिफरेंट शीट से कोई बात नहीं, पीयूष के 8 है, चलो बढ़िया है, किया काफी लोगों ने किया है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कर दें। अ स्विमर क्रॉसेस The river along the line making angle 45 with the direction of flow. यानी ये river है, A swimmer crosses the river along the line making angle 45. तो ये angle 45 degree है, ये रिवर की वेलोसिटी इधर है। अ स्विमर क्रॉसेस द रिवर अलोंग द लाइन मेकिंग एंगल 45 विद द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, वेलोसिटी ऑफ द रिवर वाटर इज, यानी ये दिया अपने को 5 मीटर पर सेकंड है, स्विमर टेक 6 सेकंड टू क्रॉस द रिवर ऑफ इट इफ द वेलोसिटी ऑफ द स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर इज, तो इसको यहां से यहां पहुंचने में टाइम कितना लग रहा है, मतलब 6 सेकंड लग रहे हैं, इक्वल टू 0 पर यहाँ था
इक्वल टू 6 सेकंड पर ही आए, इसकी विड्थ कितना है 60 मीटर है, यानी ये तो इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी हुई ना, वेलोसिटी ऑफ स्विमर हुई ना। तो हमें ये दे रखा है, तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू वाटर चाहिए अपने को, तो है ना। तो किधर है नहीं मालूम है ना। तो एक काम करते, लेकिन इसका एक कंपोनेंट ये तो होगा मालूम है, क्योंकि यहाँ तो केवल वी आर है ना इधर, यानी इसका मतलब है कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर का एक कंपोनेंट तो ये होगा ही होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। क्यों, इसका मतलब ये हुआ कि ये कंपोनेंट तो रहेगा ही, तो ये कंपोनेंट मान लेते हैं कि ये वी वाई है ना, यानी इसका वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, ये मैंने मान लिया कि ये का है, मान लो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर ये है। तो ये जो कंपोनेंट है तो मैं निकाल लूंगा यहाँ से, कैसे, क्योंकि इसको देखो ये कंपोनेंट ही तो यहाँ लेके जा रहा है ना वाई डायरेक्शन में, और ये जो नेट इधर बनेगा वो तो अलग केस है, वो तो यहाँ से निकाल लेंगे। क्या लिखेंगे, वी एस वैक्टर माइनस वी आर वैक्टर, यानी वी एस वैक्टर इक्वल टू हो जाएगा वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी आर, इसको क्या लिखेंगे आई कैप ना। तो ये हमारे पास में आ गया, तो इसका मतलब एक बात और बन रही है, क्योंकि 45 होने का मतलब क्या हुआ, 45 होने का मतलब हुआ कि वी एक्स प्लस वी आर आई कैप प्लस वी वाई जे कैप इक्वल टू वी एस वेक्टर है। 45 होने का मतलब है ये कंपोनेंट इसके इक्वल है, यानी वी एक्स प्लस वी आर इक्वल टू क्या है यहाँ वी वाई, और वी वाई कैसे निकालेंगे, तो वी वाई इंटू टी इक्वल टू क्या लिखेंगे 60, तो वी वाई इंटू 6 टाइम 6 सेकंड दे रखा है इक्वल टू 60, तो वी वाई तुम्हारे पास आ गया 10 मीटर पर सेकंड, और अपने को वी आर भी दिया हुआ है, तो वी एक्स प्लस 5 इक्वल टू ये तो हो गया 10, तो वी एक्स इक्वल टू क्या आ गया 5 मीटर पर सेकंड, वी वाई मिल ही गया, तो हमें तो ये चाहिए था तो आ गया। तो वी एस आर वेक्टर इक्वल टू क्या हो गया 5i k + 10j k, मैग्नीट्यूड चाहिए तो 25 + 100 का स्क्वायर रूट, ये हो गया वी एस आर, तो हमारे पास कितना हो गया 125 का कितना होगा 5√5 m/s, ये आंसर आना चाहिए। आगे बात सुन में, कैसे करना था इसमें, क्वेश्चन नंबर 6, एन एरोप्लेन हैज टू गो फ्रॉम पॉइंट ए टू अनदर पॉइंट बी, यानी ऐसा है, ये सब क्वेश्चन करवा रखे मैंने यार, an aeroplane has to go from point A to another point B away due west of north, north ke west mein, north ke west mein, yani idhar gaya kyunki ye north hai ye west hai, ye angle 30 degree hai, ye A point hai ye B point hai, AB kitna diya hua hai apne ko 1000 km hai, a wind is blowing due north at a speed of 20 m/s, और वेलोसिटी ऑफ विंड इधर है, द एयर स्पीड ऑफ द प्लेन इज दिया हुआ है, यानी वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड दिया हुआ है 150 m/s है, इफ द एंगल एट विच द पायलट शुड हेड, इफ द एंगल एट विच द पायलट शुड हेड द प्लेन टू रीच द पॉइंट बी वेस्ट ऑफ द लाइन ए बी, यानी इसका मतलब ये ऐसे जा रहा है, हमें ये एंगल चाहिए, मैंने मान लिया कि ये एंगल अल्फा है, ये एंगल अल्फा है, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड, और ये हो गया वेलोसिटी ऑफ विंड, और ये हो गया वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना, तभी तो हम लोग लिखेंगे ना वी ए वेक्टर इक्वल टू क्या होगा वी ए वेक्टर माइनस वी डब्ल्यू वेक्टर, यानी वी ए वेक्टर इक्वल टू लिखेंगे वी ए डब्ल्यू वेक्टर प्लस वी डब्ल्यू वेक्टर, वही तो आ रहा वी ए वेक्टर प्लस वी डब्ल्यू वेक्टर इक्वल टू ये आ रहा है, क्लियर है।
इसमें क्या लगाना है सिखाया था मैंने आपको, लामी थ्योरम लगा देंगे, आपको मैग्नीट्यूड दे रखा, तो देखो यहाँ ये एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल कितना होगा, यहाँ ये 30 डिग्री होगा है ना, तो मैं यहाँ ले लेता हूँ इसको, ये एंगल अल्फा है, ये वी ए है मैग्नीट्यूड में, वी ए डब्ल्यू है, ये एंगल कितना हुआ 30 हुआ है ना, और ये एंगल कितना हो जाएगा फिर हमारे पास में, ये हो जाएगा 150 माइनस अल्फा हो जाएगा है ना 150, तो रखो तो क्या लिखेंगे, वी ए डिवाइडेड बाई साइन 150 माइनस अल्फा इक्वल टू वी डब्ल्यू बाई साइन अल्फा इक्वल टू वी ए डब्ल्यू बाई साइन 30। वी ए कितना दिया हुआ नहीं मालूम है, वी डब्ल्यू दे रखा है, तो वी ए बाई साइन 150 माइनस अल्फा इक्वल टू वी डब्ल्यू कितना है 20 बाई साइन अल्फा, वी डब्ल्यू कितना है तो 150 बाई 1/2 कितना हो गया 300, यानी साइन अल्फा इक्वल टू कितना हो गया 20/300 यानी 1/15 आ गया, तो अल्फा इक्वल टू कितना आ गया साइन इनवर्स 1/15 यानी एन की वैल्यू कितना आ गया 15 आना चाहिए आंसर, ऐसे करना था। ये भी हो गया क्वेश्चन नंबर 8। सर एक मिनट कॉपी कर। हो गया सर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। ड्यूरिंग अ रेनी डे रेन इज फॉलिंग वर्टिकली है ना, तो रेन ऐसे ही गिर रही है, टू मीटर पर सेकंड से। ड्यूरिंग अ रेनी डे रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद वेलोसिटी, अ बॉय एट रेस्ट स्टार्ट्स हिज मोशन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ दिस along a straight road, if the rate at which the angle of the axis of the umbrella with vertical should be changed as, so at equal to this that the rain falls parallel to the axis of the umbrella, then find, तो यहाँ क्या हो रहा है कि एक आदमी है अभी ये रुका हुआ है, लेकिन ये जब चलने लगता है इसके लिए क्या हो जाता है ना, तो ये चलने लगता है तो मान लो ये इसका acceleration इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है, एक्सेलरेशन का कितना दिया है 2 m/s² है, एक टाइम आता है जब इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इस आदमी की वेलोसिटी हो गई मान लेते हैं v है ना, तो रेन कैसे हो जाती है क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में जाएंगे तो आपको मालूम है कि ये वेलोसिटी ऑफ मैन है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी वी आर वेक्टर इक्वल टू क्या होगा वी आर एम वेक्टर प्लस वी एम वेक्टर, तो इसका मतलब है रेन तो ऐसे आ ही रही है, इसका मतलब ये ऐसे होना चाहिए, यानी ये वी आर एम वेक्टर होना चाहिए और इधर क्या होना चाहिए वी एम वेक्टर होना चाहिए और ये रेन होना चाहिए है ना, तो ये एंगल मान लो किस इंस्टेंट पर ये थीटा है ना, तो हमें क्या चाहिए, ये पूछ रहा है दरअसल डी थीटा बाई डी टी पूछ रहा है, तो यह वी एम यानी ये लेंथ क्या हो जाएगी, ये लेंथ तो इसका जो वी एम है दरअसल वो तो ए इंटू टी होगा ना है ना, और ये रेन है हमारे पास में, यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लोग टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा वी एम बाई वी आर ना, और ये हो गया ए टी बाई वी आर, कितना दिया इसने 2 दिया हुआ है और ए भी 2 दिया है, तो ए 2t/2 यानी टी आ गया, ये आ गया हमारे पास में 10 थीटा,
को डिफरेंशिएट कर देते हैं t के रेस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर d थीटा बाय dt इक्वल टू 1। हमें क्या चाहिए, d थीटा बाय dt इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना, क्योंकि 1 बाय sin 1 बाय sec स्क्वायर थीटा जाएगा, तो थीटा की वैल्यू चाहिए अपने को, तो थीटा की वैल्यू कितने t इक्वल टू 5 सेकंड पर, तो ये क्या हो जाएगा, यहां 5 लिख दो, है ना, तो tan थीटा की वैल्यू मिल गई, इसको या ऐसे कर दो नहीं तो वापस से 1 बाय इसको क्या लिख सकते हो, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हो ना, याद आ रहा है, sec स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हो, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो d थीटा बाय dt कितना हो गया, यहां हो जाएगा 1 बाय 1 प्लस, ये कितना हो गया भाई 25। हां क्या आ रहा आंसर, तो ये आ गया हमारे पास में 1 बाय 26 और ये इक्वल टू क्या है, 1 बाय n है, n की वैल्यू कितना आ गया 26 आ गया, तो ऐसे करना था, समझ में आया कि नहीं आया। मेरी आवाज आ रही क्या? हाँ सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा ऊपर की जाना, हाँ जी लिखो थोड़ा नीचे लास्ट पार्ट का देखना, नीचे ये ऐसे मतलब नीचे नीचे नीचे, हाँ 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 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, टू मैन पी एंड क्यू आर स्टैंडिंग एट कॉर्नर्स ए एंड बी ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी ऑफ साइड 8 मीटर, दे स्टार्ट मूविंग अलोंग द ट्रैक विद कॉन्स्टेंट स्पीड, फाइंड द टाइम व्हेन दे मीट, दे विल मीट एट द फर्स्ट टाइम, तो क्या हो रहा है देखो, ये ए ये बी ये इधर जा रहा है, ये क्यू है, ये सी और ये डी, इसकी स्पीड कितना दिया है 10 मीटर पर सेकंड दिया। अब आप देखो कि ये इधर जा रहा है पी, तो आप देख रहे हो कि ऐसे गोल गोल ऐसे घूमते रहेंगे मतलब इस स्क्वायर में, इसका मतलब क्या हुआ, इसके रेस्पेक्ट में इसकी स्पीड कितनी हो गई, कितनी हो जाएगी इसकी स्पीड, 8 हो जाएगी ना, और इसको यहाँ रोक दो, तो यानी एक मिनट रुको, तो ये हमारे पास में है, तो क्या करेंगे, इसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में इसकी स्पीड कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, क्योंकि पीछे से आ रहा है, तो ये रुक गया नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ देखो इसको रोक देंगे, तो यहाँ ए है, ये पार्टिकल ये तो रोक दिया हमने, यहाँ तो ये इधर कितने से आ रहा है 8 मीटर पर सेकंड से, इसकी साइड लेंथ कितना दिया हुआ इसने 8 मीटर, है ना, तो आप देख रहे हो कि 8 मीटर प्लस 8 मीटर प्लस 8 मीटर यानी कितना हो गया 24 इक्वल टू 8 इंटू टी ना, यानी टी इक्वल टू 3 सेकंड बाद फिर से मिल जाएंगे, यही आंसर है क्वेश्चन नंबर 11। क्या दिया हुआ अपने को, एक पॉइंट ओ है जो कि फिक्स है और एक पॉइंट पी यहाँ है, ये इधर कहीं जा रहा है, इसकी जो स्पीड है वो है 10 मीटर पर सेकंड, और ये कितना दिया अपने को 100 मीटर दिया है। P is a point moving with constant speed such that its velocity vector always maintains an angle 60 with the line OP shown in the figure. O is a fixed point in space. The initial distance between O and P दिया हुआ है। After what time? तो आपको मैंने कौन सा पढ़ाया था?
वेलोसिटी अप्रोच वाला कौन सा कंपोनेंट इसको लेके जाएगा, क्योंकि एंगल कितना है यहाँ 60 डिग्री है, तो जाएगा v cos 60, ये v cos 60 इसको लेके जा रहा है, तो डेल्टा r by r, यानी क्या लिखोगे आप इसको v cos 60 ना, और ये इक्वल टू क्या हो जाए, तो डेल्टा r by डेल्टा t ही है, डेल्टा r by डेल्टा t, और इसको क्या लिखोगे माइनस dr by dt लिखोगे, और ये कितना हो गया v by 2, माइनस डी आर इक्वल टू क्या हो गया वी बाई टू डी टी ना, इसको इंडिकेट कर देंगे पहले 100 था, बाद में जब मिलेंगे तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी जीरो, ये जीरो से टी है, ये वी बाई टू इन टू टी है, और यहाँ क्या मिलेगा आपको 100 मिलेगा, वी बाई टू इन टू टी, वी कितना है तो 10 डिवाइड बाई टू इन टू टी, यानी टी इक्वल टू आ गया हमारे पास में 20 सेकंड, ये आंसर होगा इसमें, है ना। ये वेलोसिटी अप्रोच वाले कॉन्सेप्ट से हमने कर सकते हैं इसको, ये किया हुआ था। अब बताओ हम लोग वहां कहां एनएलएम में कहां तक पहुंच गए थे, एग्जांपल 14, एग्जांपल 14 हो गया था ना, अच्छा 15th नहीं हुआ था ना, मैंने वेइंग मशीन के बारे में पढ़ाया था ना आप लोगों को कि नहीं पढ़ाया? यस सर पढ़ाया है। चलो एनएलएम में चलते हैं, एग्जांपल 15 करते हैं, 60 केजी पेंटर स्टैंड्स ऑन 15 केजी प्लेटफॉर्म, ओके 60 केजी पेंटर स्टैंड्स ऑन अ 15 केजी प्लेटफॉर्म, यानी ऐसा दिया हुआ है कि तो ये हमारे पास में तो 60 केजीज का मास है, और ये जो प्लेटफॉर्म है इसका मास 15 केजी, यानी ये जो पूरा बॉक्स बना हुआ है पूरे बॉक्स का जो मास है, ये प्लेटफॉर्म है एक तरह से इसका, ये 15 केजी है, अ रॉप अटैच टू द प्लेटफॉर्म एंड पासिंग ओवर एन ओवरहेड पुली allows the painter to raise himself along with the platform. Okay. तो ये क्या कह रहा है? To get started, he pulls rope down with a force of. यानी ये जो rope को नीचे खींच रहा है, यानी यहाँ जो force rope पे लगा रहा है, यानी ये tension force है, जो कि ये कह रहा है, ये 400 newton है कि, अभी FBD बनाऊंगा मैं. Find the acceleration of the platform as well as that of the painter. तो आपको ये मालूम है कि अगर इस रोप को ये नीचे की तरफ खींच रहा है, तो होता क्या है कि ये जब नीचे की तरफ रोप को खींचेगा, यहाँ ध्यान से देखो, ये जो प्लेटफॉर्म है, ये वाला जो एंड है, ये ऊपर की तरफ जाएगा ना, तो आप देख रहे हो कि ये ऊपर की तरफ जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो एंड है ये ऊपर की तरफ जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, देखो यानी ऊपर जाएगा, ऐसे
तो ये प्लेटफॉर्म भी तो ऊपर जा रहा है, प्लेटफॉर्म ऊपर जाने का मतलब ये आदमी भी तो ऊपर जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि प्लेटफॉर्म पे आदमी खड़ा हुआ है, ये मैन है ना खड़ा हुआ है, तो क्या होगा? ये दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, तो इन दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा यहाँ? ए होगा। तो वही एक्सेलरेशन अपने को फाइंड करना है, तो दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा यहाँ? सेम होगा। क्या करेंगे यहाँ? एफ बी डी बना लेते हैं, पहले इस आदमी का बनाता हूँ, देखो मैं एफ बी डी ऑफ पेंटर। तो इस आदमी पे देखो कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे, ये जो रोप को नीचे खींच रहा है तो रोप का ऊपर की ओर इसको टी लग रहा होगा ना, यहां से इसको नॉर्मल भी लग रहा होगा। मान लेते हैं N1 लग रहा होगा डाउनवर्ड, इसको इसका खुद का वेट है तो 60 इंटू जी तो इसका एक्सेलरेशन क्या है यहाँ? ए। तो नेट फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में क्या लिखेंगे इसके लिए? एफ इक्वल टू एम ए। नेट फोर्स क्या होगा इस पर? N1 प्लस टी माइनस 60 जी इक्वल टू एम, जो कि कितना है इसका एम? इसका एम है 60 kg, तो जाएगा 60 इंटू ए। इक्वेशन नंबर 1 आ गई इसके लिए, ठीक है। अब बात करते हैं इसका एफ बी डी ऑफ प्लेटफॉर्म। तो प्लेटफॉर्म का एफ बी डी बनाओ, इसको ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा यहाँ? टी लग रहा होगा, और तो कुछ है नहीं। उसके बाद इसको नॉर्मल जो लग रहा है वो N1 है, और इसका खुद का वेट भी है तो 15 इंटू जी ना ये वेट लगेगा, और ये भी तो ऊपर की तरफ एक सिलेक्शन से जा रहा है, तो नेट फोर्स इसके लिए लिखेंगे क्या लिखेंगे? टी माइनस N1 माइनस 15 इंटू जी इक्वल टू 15 इंटू ए। इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमें टी तो दे रखा है यहाँ। टी कितना दिया है इसने? टी दिया है 400 न्यूटन। इन दोनों को ऐसे सॉल्व कर लेंगे, ये तो पहला पार्ट हो गया इसका। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी, बात समझ में आ रही है ना? डिस्कस नेक्स्ट हमारे पास में इसका पार्ट 2। व्हाट फोर्स मस्ट ही एक्सर्ट ऑन द रोप सो एज टू अटेन एन अपवर्ड स्पीड ऑफ दिस इन 1 सेकंड, है ना? तो कितना फोर्स लगाए? इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि v इक्वल टू u प्लस at, इनिशियल वेलोसिटी 0 और वेलोसिटी कितना हो जाए? 1 प्लस a इंटू 1, यानी a इक्वल टू अगर 1 m/s² हो जाए, तो यानी अब इस केस में पूछ रहा है कि टी कितना होगा। तुम्हारे पास इक्वेशन क्या है यहाँ? देखो N1 प्लस टी माइनस 60 जी इक्वल टू 60 इंटू ए। एक तो इक्वेशन ये, एज बी नो, है ना? एक तो ये इक्वेशन ले ली मैंने यहां से, N1 प्लस टी माइनस 60 जी इक्वल टू 60 ए, और एक इक्वेशन ये ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ? टी माइनस N1 माइनस 15 जी इक्वल टू 15 ए। यहां से अपने को टी मिल जाएगा अभी इस केस में, क्यों? क्योंकि ए पता है। इस केस में टी को यहाँ, इस केस में क्या करना है? इस केस में टी फाइंड करना है, तो दोनों को ऐड कर दो, आ जाएगा, है ना? दोनों को ऐड कर देंगे तो N1 एलिमिनेट हो जाएगा। फिर कह रहा व्हाट फोर्स शुड ही अप्लाई नाउ टू मेंटेन द कांस्टेंट स्पीड। इसका मतलब थर्ड पार्ट में कितना फोर्स लगाए, तो वापस से टी फाइंड करना है, लेकिन कांस्टेंट स्पीड का मतलब ए को जीरो कर देना है। यहाँ कांस्टेंट वेलोसिटी कहना चाह रहा है वो, है ना? तो वैसे भी स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो स्पीड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम ही होगा। तो ए को जीरो कर दो तो टी मिल जाएगा, है ना? ये मान लो इक्वेशन नंबर 1 है, ये 2 है, इन दोनों को ऐड कर दो। 1 प्लस 2 तो N1 से N1 कैंसिल आउट हो गया, कितना हो गया? 2t माइनस हो जाएगा 75 इंटू जी इक्वल टू 75 ए। इसको क्या कर दो? जीरो कर दो। तो 2t माइनस
7.5 × g, g की वैल्यू कितना लिया इसने, 10 ले लेंगे, g की वैल्यू कितना ले रहा है, 10 ले लेते है ना, तुम्हारे पास आ जाएंगे। तो t इक्वल टू कितना हो गया 7.50/2, कितना हो गया है 3.75 newton, ये आंसर आना चाहिए मेरे ख्याल से। क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा? हाँ सर, हाँ जी, पार्ट टू का नोट करना है। हाँ कर लो, कर लो। पार्ट टू का वापस समझाइए ना। पार्ट टू में कह रहा है ना, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है उस पर जाना पड़ेगा। पहले क्वेश्चन क्या कहता, देखो क्वेश्चन कह रहा है व्हाट फोर्स मस्ट ही एक्सर्ट ऑन द रोप, यानी कितने फोर्स से उस रोप को नीचे खींचे, सो एज टू मेंटेन एज टू अटेन एन अपवर्ड स्पीड ऑफ 1 m/s 1 second। इसका मतलब 1 second वो स्पीड अटेन करे, तो इसका मतलब ये वाली क्वेश्चन यूज करूंगा ना मैं यहाँ। तो एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, इसका मतलब 1 m/s² होना चाहिए। तो इन इक्वेशन में क्या करेंगे, एक की वैल्यू रख देंगे तो आपको यहाँ टी मिल जाएगा कि टी कितना होगा। आसन भाई ओके सर, हाँ समझ समझ गया। चलो ये तो हो गया, वेइंग मशीन का भी गया था, स्प्रिंग का भी हो गया था। अब आते हैं कंस्टेंट वाले पार्ट पर, बाकी सब करवा दिया मैंने आपको है ना। चलो फिर भी और भी क्वेश्चन वो भी ले लेता हूँ। अपरेंट वेट ऑफ ब्लॉक इन एक्सेलरेटिंग लिफ्ट इसमें दो तीन केस लूंगा मैं, जैसे पहला केस है लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, ओके तो मान लो जैसे कि ये लिफ्ट है, और ये वेइंग मशीन मान लो हमने यहाँ रखा हुआ है, और एक ब्लॉक इसके ऊपर रखा हुआ है, इसका मास एम है और ये लिफ्ट है, और लिफ्ट ऊपर की तरफ ए एक्सेलरेशन से जा रही है। तो होगा क्या, मान लो कोई बंदा यहाँ खड़ा हुआ है, और इसको वो ऑब्जर्व कर रहा है, और एक बंदा मान लो ग्राउंड पे खड़ा हुआ है वो भी ऑब्जर्व कर रहा है, तो मशीन को दोनों देखेंगे तो दोनों के लिए रीडिंग क्या होगी, सेम ही तो होगी भाई, रीडिंग थोड़ी चेंज हो जाएगी वहां। अरे बात सुन, में दोनों के लिए रीडिंग क्या होगी, यहाँ सेम ही होगी। तो यानी क्या होगा, यहाँ देखो हमें क्या चाहिए, हमें तो रीडिंग कितना रहा वो चाहिए। तो अगर इस ब्लॉक को आप देखो तो ब्लॉक भी तो ऊपर की तरफ कितने से जा रहा है, एक्सेलरेशन से जा रहा है। तो एफ बी डी ऑफ ब्लॉक की बात करेंगे, तो ब्लॉक का एबीडी बनाओ, कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं देखो, इस पर डाउनवर्ड इसको क्या लग रहा है, एम जी लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में क्या लग रहा है इसको, नॉर्मल लग रहा है ना, और ये ऊपर कितने से जा रहा है, लिफ्ट के साथ साथ ये भी जा रहा है, क्योंकि ऐसा थोड़ी कि लिफ्ट में हम बैठ गए तो लिफ्ट अलग
एक्सेलरेशन जारी होते हैं, अलग एक्सेलरेशन जारी होते हैं, ऐसा तो नहीं होता है। यानी इसका एक्सेलरेशन ए रहेगा। हमें क्या चाहिए, हमें नॉर्मल चाहिए। क्यों? क्योंकि वेइंग मशीन पे तो ये नॉर्मल जितना लग रहा वही तो मेजर करेगी वेइंग मशीन। तो इसको जो नॉर्मल नीचे देगा ये वही तो नॉर्मल ये मेजर करेगी। यानी क्या हो जाएगा एन, क्योंकि एफ इक्वल टू एम ए लगाएंगे हम लोग यहाँ, तो एन माइनस एम जी नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो आप देख रहे हो कि एन की वैल्यू क्या होगी, एम जी प्लस एम ए। तो जब लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगी तो रीडिंग क्या देगा, एम जी से ज्यादा देगा, देना ही चाहिए। अरे बात सुन में, रीडिंग क्या देगा ये, इसका अपरेंट वेट हो गया, एक्चुअल वेट थोड़ी हुआ है, ये तो अपरेंट वेट हुआ है, ले रहे? तो ये आंसर होगा। तो ये क्या होगा, इसका अपरेंट वेट है। दूसरा केस मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, तो दूसरा केस है लिफ्ट। सर एक और बार एक्सप्लेन कीजिए ना। देखो ना भाई, लिफ्ट में हम खड़े होते हैं तो लिफ्ट और हमारा वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम ही होगा। तो लिफ्ट के साथ ही ऊपर जा रहा है, तो इस ब्लॉक का एबीडी बना लिया मैंने। तो ब्लॉक पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, सारे फोर्स देख लिए मैंने। तो अपवर्ड में एक तो यहाँ से इसको नॉर्मल लग रहा है, यहाँ इसको नॉर्मल लग रहा है, और वेइंग मशीन को नॉर्मल किधर लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है। और इस ब्लॉक पे और कौन सा फोर्स है नॉर्मल के अलावा, एम जी भी है। तो एफ इक्वल टू एम ए इस ब्लॉक के लिए लगा देंगे, क्या लिखेंगे, नेट अपवर्ड फोर्स एन माइनस एम जी, क्योंकि ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है ना, इक्वल टू एम ए। एन की वैल्यू क्या आ रही, एम जी प्लस एम ए। यानी इस वेइंग मशीन पे जो नॉर्मल लग रहा, वही तो बात हुई थी कि वेइंग मशीन पे जितना फोर्स एग्जर्ट होगा ऑब्जेक्ट का, यानी वो उसका वेट थोड़ी होगा, जो भी फोर्स एग्जर्ट होगा वो मेजर करेगी, वेट थोड़ी मेजर करती है। तो ये मेजर कर रही है नॉर्मल। तो अपने को क्या लग रहा है कि ये एक्चुअल में आदमी का क्या है, वेट है। एक्चुअल में आदमी का वेट तो एम जी प्लस एम ए तो है ही नहीं, एम जी है उसका, तो ले रहे। तो ये अपरेंटली दिख रहा है ना अपने को। आंसर क्या हो गया इसका, यानी जो वेइंग मशीन पे जो नॉर्मल लग रहा है वो वैल्यू क्या हो रही है, एम जी प्लस एम ए। कोई डाउट है इसमें भी? नहीं सर। दूसरा है लिफ्ट इज गोइंग या लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड। ये ब्लॉक है और ये लिफ्ट नीचे की तरफ जा रही है, इसका मास एम है। या वापस से भाई अपरेंट वेट की बात कर रहे हैं हम लोग। तो एफपीडी ऑफ ब्लॉक, तो ब्लॉक पे कौन कौन से फोर्स हैं सारे देखेंगे। तो यानी यहाँ से इसको ऊपर की तरफ नॉर्मल लग रहा होगा डाउनवर्ड, इसको एम जी लग रहा है, लेकिन जा इधर रहा है लिफ्ट के साथ में, है ना। और ये वेइंग मशीन ही आए, वेइंग मशीन पे नॉर्मल किधर लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो ये नेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लिखोगे, एम जी माइनस एन इक्वल टू एम ए लिखोगे। यानी इस केस में एन की वैल्यू क्या आ रही है, एम जी माइनस एम ए आ रहा है। इस केस में रीडिंग क्या दिखाएगा, कम दिखाएगा, एक्चुअल वेट से रीडिंग कम दिखा रहा है। तो ये क्या हो गया एक्चुअल में, ये अपरेंट वेट ही तो हो गया। अब एक चीज और यहाँ देखो आप, इफ क्योंकि डब्ल्यू अपेरेंट इक्वल टू क्या हो गया एन, यहां से एम को बाहर ले लो तो जी माइनस ए है ना। तो इफ ए इक्वल टू अगर जी ए, तो आप देख रहे हो कि एन की वैल्यू क्या होगी, जीरो। इसको बोलते हैं वेटलेसनेस। नॉर्मल की वैल्यू इस केस में क्या हो जाएगी, जीरो। ये क्या हो गया, वेटलेसनेस, यानी कोई कॉन्टेक्ट फोर्स ही नहीं रहेगा इन दोनों के बीच में। अगर जी, इसका मतलब क्या हुआ है, फ्री फॉल हो गया ना। इसका मतलब क्या हुआ, फ्री फॉल।
यानी जो लिफ्ट है, जिस लिफ्ट में अगर आप बैठे हो उस लिफ्ट का ऊपर का जो रॉक है उसको कट कर दें तो आप फ्री फॉल नीचे जाएंगे, और उसके बाद कहाँ कहाँ पहुंचोगे नहीं मालूम, ठीक है? नहीं, ये हो गया। अगर मान लो ये थर्ड केस ले लेता हूं, अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है ऊपर या नीचे, इफ मतलब लिफ्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, लिफ्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी इन अपवर्ड और इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो आप देखोगे इसका मतलब क्या हुआ कि लिफ्ट का एक्सेलरेशन जीरो हो गया, ये मतलब हुआ। या इस केस में क्या हो जाएगा, तो ये मान लो वी जीरो नहीं है, मतलब वी मान लो ऊपर की तरफ जा रहा है, ये ब्लॉक का मास सेम है, तो आप खुद ही देखिए इसका एबीडी बनाओ, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है यहाँ जीरो ही है, तो ये क्या देगा इस केस में, ट्रू वैल्यू देगा। तो आप देख रहे हो कि इस केस में क्या हो जाएगा, इसको नॉर्मल ऊपर लग रहा होगा, डाउनवर्ड एमजी लग रहा है, तो एक्सेलरेशन तो यहाँ जीरो ही है, तो एन इक्वल टू क्या हो गया यहाँ एम जी, ये क्या होगा इसका ट्रू वैल्यू होगा, है ना? ये वैल्यू क्या होगा इस केस में, ट्रू वैल्यू होगा, यानी ये कांस्टेंट वेलोसिटी जाए या रेस्ट पर रहे, अगर रेस्ट पर भी होगा तब भी एक्सेलरेशन जीरो होगा, तब भी रीडिंग क्या होगी यही आएगी, है ना? इसका मतलब है कांस्टेंट वेलोसिटी से जाए या रेस्ट पर रहे, ठीक है? तो ये क्या हो गया हमारा, अगर इसका मतलब ये हो गया इनर्शियल फ्रेम, इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम, वो फ्रेम जो या तो रेस्ट पर रहे या कांस्टेंट वेलोसिटी से जाए। इनर्शियल फ्रेम में हमेशा न्यूटन के लॉज क्या होते हैं, वैलिड होते हैं, ये आगे भी समझाऊंगा मैं, ठीक है? तो अब देखो ना, ये रेस्ट पर रहे या कांस्टेंट वेलोसिटी जाए, ट्रू वैल्यू जो है ना इसकी वो चेंज नहीं करेगी, ये बात तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी आपको। तो इस तरह के केसेस बनते हैं, कर लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। फिर लिफ्ट वाला पार्ट भी हो गया, है ना? अब चलते हैं कंस्ट्रेंट पर। कंस्टेंट मोशन क्या होता है? कंस्टेंट मोशन का मतलब होता है कि कोई भी ब्लॉक अगर है तो उसकी मोशन जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं होती, यानी किसी न किसी के ऊपर डिपेंडेंट होती है। आ रही बात में? मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट is dependent on motion of an object is dependent motion of an object is dependent on अनादर ऑब्जेक्ट, ये मतलब है कंस्टेंट मोशन का यहाँ, यानी इसका मतलब उसकी जो मोशन है वो फ्री नहीं है, यानी फ्रीली वो मूव नहीं कर सकता है। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं, मान लो जैसे कि ये कोई पाइप है, और इस पाइप में मान लो एक बॉल है,
तो आपको मालूम है कि बॉल या तो इधर जाएगी या उधर जाएगी, बॉल वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं जा सकती है, क्यों? क्योंकि ये पाइप जाने नहीं देगा उसको। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके ये कंस्ट्रेंट मोशन में है, यानी अलोंग द एक्स एक्सिस ही मूव कर सकती है, आरिवासन में। तो द बॉल कैन मूव ओनली अलोंग द एक्स एक्सिस। इसका मतलब इसकी मोशन क्या है, कंस्टेंट मोशन है। ये बात समझ में आया पहले तो? ये बात समझ में आई? यस सर। अब इसमें तो एक एग्जांपल मैंने लिया, तो मेनली तो हम लोग यहाँ बात करेंगे, एक पुली होगी, एक ब्लॉक होगा, एक रॉक होगा, एक वेज होगा, इस तरह से हम लोग बात करेंगे यहाँ। यानी कंस्टेंट मोशन की जब हम लोग यहाँ बात करेंगे तो मेनली किसकी बात करेंगे, रॉक को लेकर बात करेंगे। जैसे और भी एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, मान लो जैसे कि ये ब्लॉक है, और ये रोप है, और ये दूसरा ब्लॉक है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। अगर मैं इसको इधर खींचता हूँ मान लो f4 से, तो ये m1 तो इधर जाएगा ही जाएगा, ये m2 की भी मजबूरी है कि वो इधर ही जाएगा। आरिवासन में ये जो सिस्टम है ये स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है, और जो रोप है वो इनएक्सटेंसिबल है, रोप के लिए हमने यहाँ इनएक्सटेंसिबल है। रोप क्या है यहाँ, इनएक्सटेंसिबल है। ओके, तो आप देखो इसकी मजबूरी है m2 की कि वो राइट साइड में मूव करे, इसकी मोशन कंस्टेंट हो गई ना। ऐसा और भी एग्जांपल है, मान लो जैसे कि ये पुली है, और ये रोप है, और ये ब्लॉक यहाँ अटैच है, ये ब्लॉक यहाँ अटैच है, इसका मास m1 है, और इसका मास m2 है। ओके, तो आप देख रहे हो कि अगर मैं कहता हूं यहाँ m1 जो है वो m2 से ज्यादा है, तो ब्लॉक नीचे मुंह करेगा ना, तो अगर ये नीचे मुंह करेगा तो इसकी मजबूरी है कि इसको ऊपर ही जाना है, इसकी मोशन क्या होगी, कंस्टेंट होगी। वैसे तो इसकी मोशन भी कंस्टेंट ही है, क्योंकि ये फ्री फॉल नहीं कर सकता है ना, क्योंकि यहाँ दूसरे इस रॉप के दूसरे एंड पर मास अटैच है ना। तो यहाँ अब क्या रखना है ध्यान, वैसे तो मैं पहले बता चुका हूं कि जो रॉप होगा, रॉप क्या होना चाहिए, एक तो मासलेस है, इनएक्सटेंसिबल है ना, और रॉप और पुली के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, नो फ्रिक्शन बिटवीन पुली एंड रॉप। तो अगर ऐसा होता है तो उस केस में क्या बताया, तो वैसे तो मैंने आपको कि यहाँ जो रॉप आ रही है इस पुली से होती हुई रॉप इधर जा रही है, यानी ये जो रॉप है ये इधर होती हुई इधर जा रही है, तो यहाँ क्या होता है कि इन दोनों के बीच में, यानी यहाँ जो टेंशन फोर्स होगा इस साइड और इस साइड, ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ और रॉप और पुली के बीच में कोई फ्रिक्शन भी नहीं है, और जो रॉप है वो इनएक्सटेंसिबल है, मासलेस भी है ना। तो यहाँ इसके बारे में बात करेंगे हम लोग, मेरे ख्याल से यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ क्या है कि मैं कुछ फॉर्मूले यूज करूंगा, क्या क्या फॉर्मूले कंस्टेंट के लिए, समेशन टी वेक्टर डॉट वी वेक्टर, और ये इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो, जहाँ टी क्या है, टेंशन फोर्स है, वी क्या है,
वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक्स और पुली, एक तो ये फॉर्मूला हमारे पास में, है ना, ये ध्यान रखना है, यानी इनका जो सम होगा वो जीरो है, एक और फॉर्मूला है लेकिन ये हमेशा वैलिड है, इट इज ऑलवेज वैलिड, है ना। एक और फॉर्मूला होता है समेशन टी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू जीरो, जहां टी वेक्टर क्या है, टेंशन फोर्स है, और ए वेक्टर क्या है, यहाँ एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स और पुलिस, एंड पुलिस भी कर सकते हो, लेकिन ये हमेशा वैलिड नहीं है। तो कहाँ वैलिड है कहाँ नहीं है सबके बारे में बताऊंगा आगे चल के, मैं एक एक करके चीजों को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले हैं, इसके सारे हम लोग आगे चलेंगे, मोशन के जहां जहां भी होगा वहां इन कॉन्सेप्ट को मैं यूज करूंगा। तो दरअसल ये इस कॉन्सेप्ट पर भी बेस्ड है कि जो ड्रॉप की जो लेंथ है वो क्या होना चाहिए, कॉन्स्टेंट होना चाहिए। एक पॉइंट ये ध्यान रखना है, जब भी इन फॉर्मूलों को लगाएंगे तो रॉप की लेंथ क्या होना चाहिए, कॉन्स्टेंट होना चाहिए, रॉप इज द लेंथ ऑफ रॉप इज कॉन्स्टेंट। लेंथ ऑफ रॉप इज कॉन्स्टेंट, ये आना चाहिए हमारे पास में, लेंथ ऑफ रॉप इज कॉन्स्टेंट। ओके, जैसे एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले एक सिंपल केस लेता हूं मैं, यहां मान लो जैसे कि ये ब्लॉक है, और ये दूसरा ब्लॉक इधर अटैच है, और ये रॉप है। रॉप क्या होना चाहिए, इनएक्सटेंसिबल होना चाहिए। ये ब्लॉक मान लेते हैं M1 है, ये ब्लॉक मान लेते हैं M2, इनका मास दे दिया मैंने, और यहाँ मैंने फोर्स इस पर लगाया F फोर्स। ये पूरा सिस्टम क्या करेगा, आपको पता है एक्सेलरेट करेगा इधर की तरफ, राइट साइड में। तो वैसे तो लॉजिकली अगर देखो तो दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा, लेकिन चलो इस कॉन्सेप्ट से लगा के देखते हैं। तो कैसे लगाना है, तो मैंने मान लिया कि इसका जो एक्सेलरेशन है वो A1 मान लेते हैं, और इसका जो एक्सेलरेशन मान लेते हैं A2 है। आप देखोगे A1 इक्वल टू A2 आ जाएगा, फाइनली आना ही चाहिए। A1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ A2 आ जाएगा, है ना। तो कैसे लगाना है तुम्हारे पास, देखो जब भी रॉप स्ट्रेट है, जब भी रॉप स्ट्रेट है तब ये हमेशा वैलिड होगा। तब ये हमेशा क्या होगा, वैलिड होगा। यानी इस केस में क्या हो रहा है, यहां ये उस टाइम अगर रॉप, इस केस में क्या करेंगे, रॉप इज नॉट रोटेटिंग। अगर रॉप रोटेट नहीं कर रही है तब ये हमेशा वैलिड है। रॉप इज नॉट रोटेटिंग देन इट इज ऑलवेज वैलिड। ठीक है ना,
रॉप इज नॉट रोटेटिंग देन इट इज ऑलवेज वैलिड. तब ये हमेशा लगा सकते हो क्योंकि ये जो फॉर्मूला मैंने दिया ये वाला ये तो हमेशा वैलिड है चाहे रॉप रोटेट करे या ना करे. लेकिन इसके लिए कंडीशन ये है ना, रोटेट करने का मतलब है कि जैसे मान लो पहले रॉप यहाँ था, इसको समझाए तो हमें नहीं तो कई बार समझ में नहीं आता है. ये रॉप ऐसा है ना, तो कुछ टाइम बाद ऐसा हो जाए, कुछ टाइम बाद ऐसा हो जाए, ये रोटेट करना हुआ ना हरी बस में, तब ये वैलिड नहीं होगा. लेकिन अगर रॉक रोड स्ट्रेट ही है मान लो, तो आप तो यह लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. तो यहाँ क्या करेंगे, इसका एबीडी बनाएंगे. मेरी आवाज आ रही? हाँ सर. यस सर. यस सर. तो इसका एबीडी बनाओ, ध्यान से समझना. देखो यहाँ, यहाँ ये रॉप है, तो आप देख रहे हो कि रॉप का इस, देखो यहाँ से फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो इधर की तरफ क्या लग रहा है, इसको टी लग रहा है और इसका एक्सेलरेशन इधर की तरफ ए वन है क्योंकि ये एम वन है, इसको फोर्स इधर एफ लग रहा है. इसको आप देखेंगे तो इसको इधर क्या लग रहा है, टी लग रहा है क्योंकि अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ एक्शन रिएक्शन होने चाहिए. और इसका एक्सेलरेशन इधर क्या माना हमने, ए टू माना है ना, ये एम टू है. तो इन दो पॉइंट का देखेंगे, तो दो पॉइंट मैंने क्या कहा, रॉप इनएक्सटेंसिबल है, ध्यान रखना है यहाँ. तो यहाँ यहाँ जो रॉप हमने लगाया वो क्या है, दरअसल रॉप इनएक्सटेंसिबल है. सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि रॉप की लेंथ क्या होना चाहिए, यहाँ कॉन्स्टेंट होना चाहिए. रॉप की लेंथ क्या होना चाहिए, कॉन्स्टेंट होना चाहिए. ये मेन कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, तभी ये फॉर्मूला यूज करेंगे. तो रॉप क्या है, रॉप की लेंथ कॉन्स्टेंट है, तब अप्लाई कर रहे हैं. तो ध्यान से देखो ये फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूँ. तो T वेक्टर डॉट A वेक्टर, तो यहाँ का लिखेंगे तो आप देख रहे हो कि इस पॉइंट का एक्सेलरेशन इधर क्या है, A2 ही है. तो A2 और T के बीच में एंगल क्या है, यहाँ जीरो है. क्या लिखोगे, A2 into T ना, प्लस क्योंकि समीशन है. क्या है हमारे पास में, यहाँ समीशन है. अब इसका देखो, इसका एक्सेलरेशन किधर की तरफ है, इधर है. दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ, 180. तो क्या होगा, cos 180 कितना होता, माइनस वन. डॉट प्रोडक्ट याद है ना भाई सबको, क्या बताया था, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी cos थीटा बताया था ना. हाँ वही लगा रहा हूँ मैं. अब तो क्या हो जाएगा, यहाँ टी इंटू ए वन इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो. ये कॉन्सेप्ट है यहाँ. तो आप देख रहे हो तो टी तो जीरो है नहीं यहाँ, इसका मतलब हुआ ए टू माइनस ए वन इक्वल टू जीरो, यानी ए वन इक्वल टू क्या रहा, ए टू आना ही चाहिए था. दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, यहाँ सेम होगा, ये तुम पहले ही बात कर चुके हैं. ये कंस्टेंट मोशन में इस तरह से करेंगे. ओके तो आप चाहो तो इसको क्या मान लो, और ए वन इक्वल टू ए टू इक्वल टू ए, तो सॉल्व कर लो इस बॉडी को. देखो अब आप यहां लिख लेते हैं, तो ये ओरिजेंटल में मूव कर रहा है, इसका एक्सेलरेशन क्या है यहाँ ए, इसका मास क्या है एम टू ए. इक्वेशन क्या लिखोगे आप यहाँ, t इक्वल टू एम टू इन टू ए ना. फिर इसका देख लो, ये m1 है, इसको इधर क्या लग रहा है t, और इधर क्या, सॉरी इधर तो f लग रहा है, इधर क्या लग रहा है t. तो नेट फोर्स देखोगे ना आप, नेट फोर्स इस डायरेक्शन में, तो नेट एक्सेलरेशन का a इधर है, तो क्या लिखोगे, f माइनस t इक्वल टू m1 इन टू a लिखोगे. तो आप देख रहे हो कि इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर टू सॉल्व कर लो, दोनों को ऐड कर दो, वन प्लस टू ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो एफ इक्वल टू टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, एम टू ए प्लस एम वन ए, ए के वैल्यू क्या आ गया, एफ बाई एम वन प्लस एम टू. तो ए का आंसर तो ये आ गया. अगर अपने को टी भी चाहिए तो इसको यहाँ रख दो, तो टी इक्वल टू कितना आ जाएगा, एम टू एफ बाई एम वन प्लस एम टू. तो टेंशन भी आ गया है यहाँ, कितना होगा, ये बात क्लियर है पहले तो. हाँ क्लियर है सर. नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास में.
ये पुली है सर, थोड़ा ऊपर कीजिए ना। हो गया? यस सर। अब जैसे ये मान लो हमारे पास में ये पुली है, ठीक है, और ये पुली को यहाँ हमने सस्पेंड किया हुआ है, और ये रॉप है, ये ब्लॉक है, और एक ब्लॉक किधर है। इसका मास मैंने मान लिया एम है, इसका मास मान लिया कैपिटल एम है। है ना? तो इस सिस्टम को वैसे तो हम लोग बोलते हैं एटवुड मशीन। क्या बोलते हैं? एटवुड मशीन बोलते हैं। तो ये पुली और पुली रॉप के बीच में कोई फ्रिक्शन है नहीं, मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। यहाँ बात करेंगे तो रॉप और पुली के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं होगा, है ना? ये वही केस है। और मासलेस रॉप होना चाहिए, इनएक्सटेंसिबल रॉप होना चाहिए, वही केस की हम बात कर रहे हैं यहाँ। तो अब यहाँ इसका एक्सेलरेशन चाहिए, तो कैपिटल एम मान लिया कि कैपिटल एम जो है वो एम से ज्यादा है, सीधी सी बात है नीचे जाना चाहेगा इसे। अगर नीचे जाना चाहेगा तो ये ऊपर जाना चाहेगा, लेकिन चलो मान लेते हैं दोनों को नीचे मान लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे बस उनमें तो यहाँ भी क्या होगा देखा जाए, दोनों का एक्सेलरेशन क्या है यहाँ सेम ही होगा, और चाहे तो आप उस वाले कॉन्सेप्ट से कर सकते हो जो भी हमने सीखा है। तो यहाँ भी आप देख रहे हो कि रॉप रोटेट नहीं कर रही है, स्ट्रेट ही रहेगी रॉप ऐसे। यहाँ रॉप जो है यहाँ स्ट्रेट ही बनी रहेगी ऐसे, और इस पुली से होता हुआ रॉप ऐसे आ रहे हैं। तो यहाँ भी दोनों का एक्सेलरेशन क्या है यहाँ सेम ही है, नहीं तो आप मान लो उसमें क्या है, दोनों का चाहो तो नीचे मान लो, दोनों का चाहो तो ऊपर मान लो, तब भी वही आने वाला है, कोई दिक्कत ही नहीं है, दोनों इक्वल आ जाएंगे। जैसे मान लो मैं ऐसा करता हूँ, इसमें मैंने मान लिया कि इसका एक्सेलरेशन भी नीचे ही है, मैंने मान लिया इसका एक्सेलरेशन ए वन नीचे, और इसका भी मैंने मान लिया ए टू नीचे, मैंने ए वन ए टू मान लिया दोनों को। अब इसका एफ बी डी बनाएंगे हम लोग, ये टी है, ये टी है, और इसका मास सेम है, यहाँ ये टी है, यहाँ ये टी है, और ये ब्लॉक यहाँ है। इसका एक्सेलरेशन मैंने नीचे माना है ए टू, सॉरी इसका ए वन माना है, और इसका नीचे की ओर ही मैंने माना है ए टू। हमें तो कंस्टेंट लगाना है, यानी टेंशन वाली पार्ट, यानी इस रोप के लिए बात कर रहा हूँ मैं, इस रोप के लिए बात कर रहे हैं हम लोग, इस रोप के लिए। तो आप देख रहे हो कि ऊपर तो ये पुली रेस्ट पर ही है, ये पुली तो मूवमेंट नहीं कर रही है, तो यहाँ कंस्टेंट लगाएंगे तो रोप रोटेट भी नहीं कर रही है। तो समीशन टी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो। तो पहले यहां से स्टार्ट करेंगे, तो आप देख रहे हो कि इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ क्या है ए टू है, लेकिन इसको टी ऊपर लग रहा है, तो क्या लिखेंगे माइनस टी ए टू। आप देख रहे हो कि ये पुली रेस्ट पर है, इसका और इसका ये क्या हो जाएगा जीरो प्लस जीरो ना, क्योंकि ये तो मुई नहीं कर रहा, पुली रेस्ट पर है। उसके बाद देखो यहाँ ये पॉइंट का, देखो इसको टी इधर लग रहा है, इसको टी इधर लग रहा है, तो रॉप और पुली के बीच में फ्रिक्शन नहीं है, इसलिए दोनों साइड टेंशन क्या है यहाँ सेम है। पुली के जो रॉप आ रही है, इस रॉप के दोनों साइड टेंशन क्या होगा यहाँ सेम होगा, क्योंकि रॉप और पुली के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, है ना? तो ये आ गया प्लस इसका, देखो इसका एक्सेलरेशन किधर की तरफ है ए वन, क्या लिखेंगे माइनस टी ए वन इक्वल टू जीरो।
तो आप यहाँ देखो टी तो जीरो है नहीं, तो इस केस में क्या हो जाएगा, माइनस ए टू माइनस ए वन इक्वल टू जीरो, यानी ए वन इक्वल टू क्या हो गया माइनस ए टू। इसका मतलब एक नेगेटिव है यहाँ, क्योंकि टोटल लेंथ कॉन्स्टेंट होना चाहिए, इसका मतलब एक नीचे आ रहा तो एक ऊपर जा रहा है, ये कहने का मतलब है यहाँ। हरी बात सुन में माइनस ए इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ। तो अगर आप इसी को ऐसे रहने दो तब भी क्या होगा आंसर आ जाएगा, इक्वेशन नंबर वन है मान लो, इसके लिए आप लिखो तो क्या लिखोगे नीचे की तरफ, इसको डाउनवर्ड नीचे क्या लग रहा है एम इंटू जी भी तो लग रहा है, और इस वाले की बात करोगे तो इसको भी तो डाउनवर्ड क्या लग रहा है एम इंटू जी बात करोगे, तो इस पर नेट फोर्स किस पर, इसके लिए लिखो क्या लिखोगे एम जी माइनस टी इक्वल टू एम ए वन ना, इक्वेशन नंबर टू, इसके लिए लिखो आप एफ इक्वल टू एम ए, क्या लिखोगे एम जी माइनस टी इक्वल टू एम ए टू ना। अब तीन अननोन है, तीन इक्वेशन है, सॉल्व करने का आंसर आ जाएगा है ना। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ एम जी माइनस टी इक्वल टू एम इंटू ए वन को क्या रख रहा हूँ मैं माइनस ए टू, अब इन दोनों को ऐड कर लेता हूँ मैं है ना, तो मुझे क्या मिल जाएगा ए टू मिल जाएगा। तो क्या करते हैं इक्वेशन नंबर फाइव है मान लो, तो थ्री सॉरी फोर है, थ्री प्लस फोर कर लेते हैं, तो टी से तो टी एलिमिनेट नहीं सॉरी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, ऐसा करते हैं फोर माइनस थ्री कर लेते हैं, इसमें से उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा देखो एम जी माइनस टी माइनस एम जी माइनस टी इक्वल टू माइनस एम ए टू माइनस एम ए टू। तो यहाँ क्या मिल जाएगा अपने को देखो एम जी माइनस एम जी इक्वल टू माइनस एम प्लस एम इंटू ए टू। तो आप देख रहे हो कि ए टू की वैल्यू क्या आ गई, क्योंकि एम माइनस एम ये तो मैग्नीट्यूड एम माइनस एम, तो क्योंकि कैपिटल एम बड़ा है ना यहाँ, हमने माना ही है कैपिटल एम क्या है यहाँ तो बड़ा है, इसका मतलब ए टू किधर होना चाहिए ऊपर की तरफ होना चाहिए, माइनस ही इंडिकेट कर रहे हैं, तो माइनस ये क्या हो गया एम प्लस एम, इसका मतलब ये ऊपर की तरफ जा रहा माइनस ही इंडिकेट कर रहे हैं। हरी बसन में क्योंकि इसी को जब आप वहां रखोगे किसमें इसमें, आप देखो कि ए वन क्या मिल रहा है आपको, ए वन आ रहा है प्लस एम माइनस एम इंटू जी डिवाइड बाई एम प्लस एम, ये तो आना ही था नीचे की तरफ जा रहा है क्लियर। उसी से आप टी को भी निकाल सकते हो, तो क्या करेंगे टी को कैसे करेंगे, ए वन मिल गया या ए टू मिल गया, इस ए टू को इसमें पुट कर दो तो आपको टी भी मिल जाएगा, तो एम जी माइनस टी इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास माइनस एम, और ये कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम इंटू जी डिवाइड बाय एम प्लस एम। तो क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं है ना, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा देखो एम जी माइनस टी इंटू एम प्लस एम इक्वल टू माइनस एम इंटू जी एम माइनस एम, तो क्या हो जाएगा एम कैपिटल एम जी प्लस एम स्क्वायर जी माइनस टी एम माइनस टी स्मॉल एम इक्वल टू माइनस एम जी एम एम जी एम प्लस एम स्क्वायर जी। देखो इससे तो कैंसिल आउट हो गया है ना, और यहाँ देखो ये क्वांटिटी इधर डबल हो जाए इधर जाके जुड़ जाएगी, तो हमारे पास क्या आ गया देखो अगर ये इधर आ जाएगा तो आ जाएगा दरअसल टी कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इक्वल टू ये उधर जाएगा तो टू एम एम जी, यानी टेंशन कितना आ गया रोप में तो टू एम एम जी डिवाइड बाई एम प्लस एम ये आ जाएगा ठीक है। तो ये रोप में टेंशन हो गया, ये क्या है टेंशन इन द रोप है, टेंशन फोर्स इन रोप सर। वो एक एटीट्यूड मशीन में हमेशा मतलब दो दोनों ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम ही रहेगा ना। हाँ अगर इस तरह से रहा तो जैसा अभी ये डायरेक्ट रहा तो, अभी और भी क्वेश्चन लूंगा ना तो टेंशन फोर्स अभी और क्लियर करता हूँ। टेंशन फोर्स इन रोप एक है कि फोर्स
force exerted by pulley on ceiling की अगर बात करेंगे तो यहां देखो आप, ये पुली है और यहाँ ये, क्योंकि यहाँ भी ये रोप है तो आप देख रहे हो कि इसका ये क्या है, टी है, रोप की वजह से इसको इधर टी लग रहा है, यानी रोप की वजह से इस पर फोर्स कितना लग रहा है, इस पर टू टी लग रहा है। अब इसका एफबीडी बनाओ, तो ये टी टी डैश होगा, यहाँ टी डैश होगा और इधर क्या लग रहा है इसको टी, इधर क्या लग रहा है टी। अच्छा यहाँ टी को पुली को मैंने मासलेस माना है, पुली क्या है यहाँ, पुली इज मासलेस, अगर मास होगा तो फिर उसको भी काउंट करेंगे। इस केस में आप देख रहे हो कि इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया हम लोगों ने ना, ये पुली रेस्ट पर है कि नहीं, पुली रेस्ट पर है तो इसका मतलब क्या हुआ, टी डैश इक्वल टू क्या होना चाहिए, टू टी, और टी की वैल्यू हम निकाल चुके तो कितना हो जाएगा, टू इन टू टू एम एम जी डिवाइडेड बाई एम प्लस एम, यानी इतना फोर्स है, यानी टी डैश इक्वल टू कितना आ गया, फोर एम एम जी डिवाइडेड बाई एम प्लस एम, इतना फोर्स लग रहा है। यहां तक क्लियर है भाई सबको? यहां तक क्लियर है क्या? यस सर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब जैसे एक और एग्जांपल लेता हूं सर, वो कॉपी कर रहे थे लास्ट। हाँ लिखो, हो गया सर। अब जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है, मान लो ये इस तरह से, ये ब्लॉक है यहाँ और ये ब्लॉक है यहाँ और ये सेलिंग है, ये जो ये मासलेस, ये पुली तो मासलेस है, इसका कोई मतलब ही नहीं है, तो भलाई मास हो के नहीं उससे कोई मतलब नहीं, हमें तो केवल इसमें चाहिए कि ये ब्लॉक ए है और ये ब्लॉक बी है, हमें इन दोनों का एक्सेलरेशन चाहिए और टेंशन चाहिए स्प्रिंग में, हमें क्या क्या चाहिए, तो ये पुली P1 मान लेता हूं मैं, या P पुली मान लेते हैं, तो पहला तो ये कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स A एंड B, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स A एंड B, एंड also find the tension force in spring, okay, ये हमारा aim है भी तो, और यहाँ जो दिया है कि given that pulley P is massless, ये हमारे पास में, ओके। अब यहाँ क्या करेंगे, देखो जो भी कॉन्सेप्ट हमने सीखा वो लगाएंगे, और ये आइडियल केस है, मतलब पुली रॉप के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, रॉप जो है वो इनएक्सटेंसिबल है, क्लियर है मेरे ख्याल से, अब इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, जब भी मैं ऐसा कोई क्वेश्चन बनाऊ, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि आइडियल केस है, रॉप और पुली के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, रॉप मासलेस है, इनएक्सटेंसिबल है, ओके, यानी रॉप की टोटल लेंथ हमेशा क्या होगी, कॉन्स्टेंट होगी, इसका एफबीडी बनाओ,
ये तो फिक्स ही है, ये रॉप यहाँ है, इधर का टेंशन और इधर का टेंशन सेम होगा। तो ये टी ए, ये टी ए, ये टी ए, ये टी ए, और ये पुली मासलेस है और ये ब्लॉक यहाँ अटैच है, और यहाँ इसका एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। ये टी ए और एक यहाँ से भी ये टी ए, आप देख रहे हो कि ये पुली यहाँ फिक्स है, तो ये पॉइंट मूव नहीं कर रहा है, उसी तरह ये पॉइंट भी मूव नहीं कर रहा है। तो पहले तो क्या करेंगे, मैंने मान लिया कि इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, तो आप देख रहे हो कि दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा यहाँ, क्योंकि डायरेक्ट कनेक्शन में तो भी बात कर ही चुके हैं, तो दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम ही होगा अगर डायरेक्ट कनेक्शन में तो, है ना। तो इसका सॉरी बी मान लेते, क्योंकि हमने ये बी माना हुआ ना, और इसको हम लोग ए मान रहे हैं, इसका एक्सेलरेशन मान लेते हैं कि बी है, और इसका एक्सेलरेशन मान लेते हैं ऊपर की तरफ ए है। तो पहले तो मैं क्या करूंगा, इसका एबीडी बना देते हैं, इसका एबीडी बनाऊंगा, उस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, टी लग ही रहा है, और डाउनवर्ड क्या लग रहा है यहाँ, एमजी भी लग रहा है, उसी तरह इसका देखेंगे। तो इसको साथ में ले लेते हैं पुली के साथ में, क्यों, क्योंकि पुली तो मासलेस ही है ना, इसको डाउनवर्ड क्या लग रहा है यहाँ, कैपिटल एम इन टू जी लग रहा है। तो इसके लिए इक्वेशन लिखो आप, एफ इक्वल टू एम ए, तो नेट फोर्स डाउनवर्ड क्या लिखोगे इसके लिए, एम जी माइनस ऊपर क्या लग रहा है इसको, टू टी लग रहा है ना, इक्वल टू एम इन टू बी ना, ये इक्वेशन नंबर वन हो गए इसके लिए। उसी तरह इसके लिए लिखोगे इक्वेशन, तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो क्या लिखोगे यहाँ, टी माइनस एम जी इक्वल टू क्या लिखना है, एम ए, ये इक्वेशन नंबर टू होगी। अब आप देखो यहाँ अननोन तो तीन है हमारे पास में, अननोन कौन कौन से है, ए बी और टी, इक्वेशन कितना मिला अपने को, दो मिला है, हमें थर्ड इक्वेशन भी चाहिए। थर्ड इक्वेशन कहाँ से आएगी, कंस्टेंट से, कहाँ से आएगी, कंस्टेंट से। तो ब्लॉक्स क्या आपस में कंस्टेंट मोशन कर रहे हैं, तो हमारे पास में समेशन टी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू जीरो। अब ये क्यों वैलिड है, क्योंकि यहाँ रॉप रोटेट नहीं कर रहा है, हमेशा वर्टिकली रहेगा। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग, इस पॉइंट को देखो ऊपर की तरफ टी लग रहा है ना, और ए भी ऊपर है, तो क्या लिखोगे, टी इंटू ए प्लस, इसका देखो ये रुका हुआ है, ये रुका हुआ है, क्या लिखोगे, जीरो प्लस जीरो। फिर इसका देखो ये पुली किधर जा रही है, यानी इस ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन होगा वही तो इस पुली का एक्सेलरेशन है, यानी इस पॉइंट का एक्सेलरेशन और इस पॉइंट का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या है, यहाँ बी तो है, इसका मतलब यहाँ क्या लिखोगे, माइनस टी बी माइनस टी बी, क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे टी ऊपर है। अब इसका देखो आप, इसके ले जाओ तो ये पॉइंट तो रुका हुआ ही है, क्या लिखोगे उसके लिए, जीरो इक्वल टू जीरो। अब यहाँ टी जीरो नहीं है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू टू बी, ये थर्ड इक्वेशन आ गई, सॉल्व कर लीजिएगा आंसर मिल जाएगा। तो कंस्टेंट से हम लोग इस तरह से ए और बी में रिलेशन निकालेंगे। दरअसल कॉन्सेप्ट एफ इक्वल टू एम ही है, लेकिन जब इस तरह से रॉप कनेक्टेड होगी तो हमें ये कॉन्सेप्ट भी लगाना है कि ये कैसे इनकी मोशन एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, आ रही बात में। तो इसलिए इनके एक्सेलरेशन में क्या हो जाएगा, ये इस तरह का रिलेशन मिलेगा अपने को। रिलेशन निकालने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि ये होगा, यहां तक बात समझ में आ गई। तो ये कॉन्सेप्ट है, चलो आज इतना ही करेंगे, है ना। तो अब आप क्या करो, इसका करना शो कर दो, अब आप एग्जांपल इसका डीपीपी में जो भी क्वेश्चन हो ना, जो भी अभी तक मैंने जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ाया उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है डीपीपी में, वो सारे डीपीपी में कर लो, डीपीपी में डिस्कस करता जाऊंगा मैं, ताकि उससे एनएलएम का क्या है कि आपको धीरे धीरे परफेक्शन आने लगेगा, फिर है ना भाई, शीट तो कर ही रहे हम लोग, ये भी करना है, ठीक है। चलिए फिर, ओके बाय बाय, अभी इसका नहीं दे रहा हूँ मैं, अभी और डिस्कस कर लेता हूँ, फिर इसके होमवर्क दूंगा। मैंने कहा क्या क्या डिस्कस कर लिया वैसे इसमें एक्सरसाइज वन में, ये सेक्शन हुआ था पार्ट वन का।